न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जन सरोकार से जुड़े कार्य को खास तवज्जो दे रही है। वहीं जनपद संभल में जिला प्रशासन भी योगी की राह पर चल पड़ा है और जिले में युद्ध स्वास्थ्य और पेंशन की खराब परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने कवायद भी शुरू की है, तो नतीजा भी सकारात्मक निकला। लाखों की आबादी वाले संभल जिले में अब वृद्ध आश्रम पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 8 महीने के भीतर 10,000 के करीब जो है आंकड़े को पार कर गई है और ऐसे में उन लोगों को चिन्हित कर सम्मानित किए जाने की प्रशासन ने योजना बनाई है जिन्होंने लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दिया है। और वहीं डीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे ग्राम प्रधान और वार्ड सभासद जिनके क्षेत्र में अधिक लाभार्थी निकल कर आएंगे उन्हें 26 जनवरी 2023 को सम्मानित किया जाएगा। और जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को जिले के 10 ग्राम प्रधान और 10 वार्ड सभासदों को सम्मानित किया जाएगा। वृद्धा पेंशन को लेकर के जनपद संभल में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, अब तक क्या स्थिति है? जनपद संभल में पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 21,473 लाभार्थी थे जो यहाँ की जनसंख्या के दृष्टिगत बहुत कम थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अप्रैल में यह लक्ष्य निर्धारित किया कि शहरी क्षेत्र के लिए 5,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 13,000 पेंशन नवीन स्वीकृत कर किए जाएंगे, जिसके क्रम में अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक अभी तक कुल 11,190 पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। और साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा था कि ऐसे ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा पेंशन स्वीकृत कराएंगे उन्हें 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संभल जिले में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है जहां पर अत्यधिक ठंड के चलते अलाव जलाकर ताप रहे एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे और 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। चिंताजनक हालत में मासूम दोनों बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहीं झुलसी हुई महिलाओं का अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें कि इस समय भीषण ठंड पड़ रही है और ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार तापमान गिरने से लोग बुरी तरह से कांप रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये अलाव अब लोगों की जान भी लेता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ताजा मामला आपको बता रहे हैं केला देवी थाना इलाके के अछरा गांव का है जहां गुरुवार को भीषण ठंड से बचने के लिए दिनेश का परिवार घर पर ही अलाव जलाकर ताप रहा था। बताते चले कि इस बीच जलती आग में बच्चों ने डीजल उड़ेल दिया जिससे आग ने भयंकर रूप ले लिया और आसपास बैठे ताप रहे दिनेश के दोनों मासूम बच्चे नीलेश और हिमांशु और दिनेश की माँ शीला और पत्नी सर्वेश आग की चपेट में आ गए और भयंकर रूप से झुलस गए। एक ही परिवार के 4 लोगों के झुलसने से परिवार में अफरा तफरी मच गई और किसी तरह परिजनों ने आग को बुझाया और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी झुलसे लोगों को जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया जहां पर दोनों मासूम बच्चों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और चिकित्सक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया है कि महिलाओं की हालत कुछ ठीक है लेकिन बच्चों की हालत गंभीर है क्योंकि उनके चेहरे बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, इसलिए मासूम बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया जबकि महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। बता दें आपको कि आग से झुलसने की दूसरी घटना नखासा थाना क्षेत्र के नाहर ठेर की है जहां पर अलाव जलाकर सो रहे बुजुर्ग रईस अहमद बुरी तरह से आग में झुलस गए जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। संभल जिले में एक ही दिन में 5 लोगों के आग में झुलसने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं और औरतों की कंडीशन तो थोड़ा ठीक है लेकिन सबके चेहरे और गर्दन पे सामने से चेहरा और गर्दन जला हुआ है, तो जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि कहीं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो क्योंकि गर्दन जली हुई है सामने से, तो सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है कई बार, तो इन दोनों को रिफ़र करेंगे। औरतें जो है वो ठीक हैं तो उनको नहीं रखेंगे। जी ऐसे साहब ठंड में ताप रहे और एक हमारे बच्चा ने वो डीएल तेल डाल दिया, डीएल तेल होता है उसे डीएल तेल पे फिर के कपड़ों ने आग पकड़ ली। क्या नाम बच्चों के?
एक हमारी माँ का नाम है शीला, पत्नी का नाम है सर्वेश और लड़का का नाम नीलेश, एक हिमांशु, लड़की का नाम। दो बच्चे और आपकी दो महिला, चार लोग जुलते हैं। चार आपने कहाँ भर्ती कराया इन्हें? सरायताल में लेके आए सब। संभल में? संभल में। संभल में अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और प्रशासन को महिलाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने महिलाओं और पुरुषों को खदेड़ते हुए अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलवाया। गौरतलब हो कि संभल जिले में अवैध रूप से सैकड़ों की तादाद में ईंट भट्टा संचालित है, कागजी कार्रवाई के बगैर तमाम भट्टे चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से एक महीने पहले भी ईंट भट्टा मालिकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके भट्टा मालिकों ने कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं किया और ईंट भट्टों का संचालन जारी रखा। वहीं एसडीएम विनय मिश्रा ने गुरुवार को असमोली थाना इलाके के गांव ओवरी में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर बड़ी कार्रवाई की और एसडीएम यहां पुलिस और बल और इसके साथ ही दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पहले तो भट्टों में जल रही आग को दमकल विभाग की गाड़ी से बुझाया और बाद में ही ईंटों पर बुलडोजर चलवाया और इस दौरान भट्टे पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने जमकर हंगामा काटा है। कुछ महिलाओं ने हाथों में ईंटें लेकर बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई तो वहीं पुरुष प्रशासन के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। आपको जानकारी होगी, करीब एक महीने पहले उन्होंने यहाँ के जो अवैध भट्टे थे उनको सूचित भी किया था और उनके जो कच्चे स्ट्रक्चर थे, ईंटें वगैरह जो उन्होंने पाती थी, उसको डिमोलिश किया था ताकि वो भट्टों पे जब तक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं तब तक भट्टों का संचालन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि भट्टों का संचालन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया है और रॉयल्टी भी जमा नहीं की गई है। तो ऐसे भट्टों पर कार्रवाई करते हुए हम लोग उनको डिमोलिश कर रहे हैं ताकि वो उसका संचालन बंद हो सके, प्रदूषण से भी मुक्ति हो और शासकीय आदेशों का भी पालन हो सके। ऐसे कितने भट्टे हैं इस क्षेत्र में? जानकारी मिल रही है कि इस गांव में ही जो ओवरी गांव है इसमें करीब 12 भट्टे हैं और बगल में रचेटा है वहां पे 7 से 8 भट्टे हैं। झांसी में जिला अधिकारी के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी आधा दर्जन अवैध बालू से भरे डंपर जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। वहीं देर रात अवैध तरीके से लग्जरी गाड़ियों में हुटर और बदनाम पट्टी की लगाकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बुधवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निधि बंसल ने पुलिस टीम के साथ कानपुर बाईपास पहुंचकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर बालू से भरे 8 डंपर पकड़ लिए हैं, जिनमें 6 के खिलाफ एफआईआर और 2 को सीज भी कर दिया गया है। और वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने देर शाम फ्लाइट चौराहा पहुंचकर लग्जरी गाड़ियों में लगी काली फिल्म और इसके साथ ही हुटर और बदनाम पट्टिका के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हुटर बदनाम पट्टिका हटवाई है और उनके खिलाफ एफआईआर कराई है और इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। महोबा में 5 दिन से ठंड पूरे सवाब पर है और बुधवार को न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। लोग आग का सहारा लेकर ठंड से बचाव करते नजर आए तो वहीं पर कस्बा कुलपहाड़ के ही मोहल्ला टोरियापुरा निवासी 65 वर्षीय भगवान दास कुशवाहा खेतों पर जानवर को चराने गया था। देर शाम घर वापस लौटने पर उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। बुजुर्ग की हालत को देख परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र बाबू कुशवाहा ने बताया है कि पिता की मौत ठंड लगने से हुई है। परिजनों ने घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी है। उपजिलाधिकारी अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि चरवाहे की मौत की सूचना मिली है और लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच करवाई जा रही है। झांसी जनपद के उन लोगों ने एक स्वर में ही नारा बुलंद करते हुए कहा है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी और योगी द्वारा कई ऐसे शख्स
कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि जनता ठगी का शिकार होने से बची रहे। तो वहीं पर ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को बड़े सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया है। तो वहीं झांसी महानगर में राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के नेतृत्व में मिशन भुगतान भारत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भुगतान भारत यात्रा के तहत ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन कंपनियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जिसमें लोगों ने निवेश किया था लेकिन उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। संगठन के लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने BUDS AC एक्ट के तहत ही बनाया है और उसके तहत उनका भुगतान 180 दिन में हो जाना चाहिए। आपको बताते चले कि इन दिनों संगठनों की मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है जिसका झांसी के इलाइट चौराहे पर आयोजन किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने इलाइट चौराहे में कंपनियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने बर्ड्स एक्ट के तहत ही 180 दिनों में उनका भुगतान कराने की मांग की और इस अवसर पर ही राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने कहा कि हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कंपनियों में फंसा पैसा वापस कराने की मांग की है और मार्च 2023 के पहले मगर अगर ऐसा हमारा पैसा वापस नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। बागपत में किसानों की महापंचायत जारी है और 84 गांव के किसान पंचायत में पहुंचे हैं। बकाया गन्ना भुगतान, खराब रास्ते और घटतोली की समस्या को लेकर ये पंचायत बुलाई गई और बागपत की मलकपुर शुगर चीनी मिल पर लगभग 400 करोड़ रुपए किसानों का जो बकाया है पंचायत में देश खाप और दहरगण 24 खाप और इसके साथ ही थाम्बा चौरसिया चौधरियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बता दें आपको कि पंचायत में बागपत और आसपास गांव के हजारों किसान मौजूद हैं। बावली गांव के ही पंचायत में ही सचिवालय परिसर में आयोजित की जा रही है किसानों की महापंचायत। आपको बता रहे हैं झांसी से खबर है जहां पर अनेक राज्यों में ये चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले ही जो महापंचायत हुई है उसमें कहा गया है उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूर्व विधायक दीप नारायण की 35.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। झांसी में पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और गुरुवार को पुलिस ने उनके मोट में मौजूद ही फार्म हाउस समेत अन्य स्थानों पर करीब 37 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर दी है और बाजार में भी इसकी लागत लगभग 35.90 करोड़ आकी गई है। ये जमीन मोट के ही अलावा बमरोली, जरहा और भुजोन समेत अन्य गांव में मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के गरोठा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव 27 सितंबर से जेल में बंद हैं और उनसे मुलाकात करने 26 दिसंबर को ही सपा मुखिया अखिलेश यादव झांसी आए थे और जेल जाकर उन्होंने दीप नारायण से मुलाकात की थी। वे पूर्व विधायक के घर जाकर परिजनों से मिले थे और इसके एक सप्ताह बाद मंगलवार को प्रशासन ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 2.37 अरब रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी थी और इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तरह महोबा के जिला अस्पताल में तुकलगनी फरमान जारी हुआ है। जिला अस्पताल की दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी न करने की चेतावनी तक दे डाली गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने तक के पोस्टर में धमकी दी गई है, जिससे महोबा के पत्रकारों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है और जिला अस्पताल की अनियमितताओं और बाहर की दवाएं लिखने के मामले को लगातार मीडिया द्वारा प्रकाशित किए जाने से बौखलाए CMS ने तुगल की फरमान जारी कर दिया है और अस्पताल की दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और इस मामले के बाद से महोबा में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया पर नकेल कसने को लेकर पत्रकार संगठनों में भी आक्रोश बढ़ चुका है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला अस्पताल में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाकर पोस्टर चस्पा किए गए थे और ऐसा ही एक मामला बुलंद
खंड से भी महोबा में भी सामने आया और जहां लगातार जिला अस्पताल के अनियमितताओं और लापरवाही की खबरें चलने के बाद महोबा के सीएमएस डॉक्टर पी के अग्रवाल ने भी सीतापुर की तरह महोबा में तुलकी फरमान जारी कर दिया। ये ना मरीज के जो अटेंडेंट होते हैं वो फोटोग्राफी करने लगते हैं और वो पत्रकारों के लिए मान्यता प्राप्त के लिए कोई मना नहीं है, खाली वो उन लोगों के लिए मना है जो स्टूडेंट जो मरीज के अटेंडेंट फ़ोटो बनाने लगते हैं और उसकी फिर डीएम को शिकायत करते हैं कि ये वह है वो है। ऐसा पंपलेट पर कहीं लिखा नहीं गया है कि प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वो तो सार्वजनिक लिखा गया है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करना वीडियोग्राफी करना सब सख्त मना है। चार नियम दिए गए हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि महिलाओं से अगर जो है महिलाओं की वीडियो बनाई जाती है तो छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इन बारे में भी लिखा गया है। नहीं ऐसा नहीं, उन्हीं के लिए करा गया, अगर उसमें गलत है तो हटवा देंगे हम, अगर आप लोगों को कुछ उसमें ऑब्जेक्शन है तो। ऑब्जेक्शन नहीं सर, नहीं अगर हमें तो हमने तो उनके लिए कहा है मरीज के अटेंड, ये स्पष्ट होता है उसमें कि ये केवल प्राइवेट व्यक्तियों के लिए लगाए गए हैं तो ये प्राइवेट के लिए लिखा गया है, क्योंकि कल डीएम साहब शिकायत कर रहे थे कि वो किसी ने बना लिया वीडियो। किस बात का? कोई वो फार्मेसिस्ट बता रहे थे कोई कि वीडियो बनवाते हैं करवाते हैं। अच्छा वीडियो बना, मीडिया में आने से पत्रकारों को लगी तो उनने इस पर जो है प्रमुखता के साथ यहाँ की लापरवाही और यहाँ की जो है जो उन्हें कर्तव्यों के प्रति जो सजगता दिखाना चाहिए उसमें जो शिथिलता दिखाई जा रही थी उसको शासन प्रशासन तक पहुँचाए जाने के लिए निरंतर समाचार खबरों का प्रकाशन किया गया और ऐसी खबरों पर जो जन कल्याणकारी हैं उन पर रोक लगाने के लिए सीएमएस द्वारा एक मिथ्या प्रयास किया गया ताकि जो है ऐसे पोस्टर लगा करके जो नियम विरुद्ध है जबकि पत्रकारों को समाज सेवा से वंचित करने पर रोका नहीं जा सकता है, पर यह कुप्रयास था उनका और ऐसे प्रयास को जो है कभी भी यहाँ पत्रकार जगत सफल नहीं होने देगा, उनको जिस स्तर पर। बहराइच में लोक कुमार निवासी शिवनगर तिराहा थाना को देहात जनपद बहराइच ने थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि समय 7:45 पर रात्रि मेरे दुकान जेपी फूड्स पर ही दो आदमी अंदर आए और जिनके पीछे तीन लोग और आए और उन लोगों के द्वारा मुझे और मेरे दुकान पर काम करने वाले कर्मी अमित पुत्र पवन कुमार को असला लहराते हुए मेरे कनपट्टी पर सटा कर बांध दिया और मेरे लड़के दीपक को ही ऊपर छत से नीचे ले जाकर उसका भी एक हाथ बांध दिए और पैसे की मांग करने लगे। इसी बीच मेरे मित्र के भाई भतीजे आकर दरवाजा पीटने लगे और आवाज देकर बुलाने लगे, जिस पर उपरोक्त लुटेरे द्वारा 6,000 रुपए लूटकर अपनी मारुति कार से भाग गए। सूचना पर थाना देहात में ही अभियोग पंजीकृत करते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण किया गया और घटना के खुलासे हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अभियोग के खुलासे हेतु मान पुलिस अधीक्षक द्वारा और निदेशक अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में ही मान क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई थी। उपरोक्त घटनाओं में सम्मिलित आरोपी को बता दें आपको कि आरोपियों को ही फिलहाल बहराइच त्रिमोहानी घाट से गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त उपरोक्त को ही अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। गले की दुकान पे 5 बदमाश अंदर घुसे थे, तमंची के नोक पर उनको अपने कब्जे में लेकर के उनसे पैसे की डिमांड उन्होंने किया था और क्योंकि संडे का दिन था तो उनके पास पैसा नहीं था तो उनकी जेब में जो 6,000 रुपये थे उसको लेकर के भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का आज खुलासा हुआ है और इसमें दो बदमाश नदीम अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी छोटी बाजार जो कोतवाली नगर का रहने वाला है, रजी उर्फ अयूब उर्फ मल्लू निवासी मोहल्ला चाँदपुरा अमीर माँ जो मस्जिद है उसके पीछे रहता है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। दोनों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए, 1 315 बोर का तमंचा और 1 312 बोर का। संभल में जेसीबी को सवारी ढोने वाला वाहन बना दिया और जेसीबी के बेकहू लोडर से लेवर बैठाई गई और 4 मजदूरों को लोडर में ही बैठा कर ले जाती जेसीबी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रैफिक इंचार्ज ने चालान काटा और सदर कोतवाली के चौधरी सराय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि जेसीबी को अब
जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि सवारी ढोने का वाहन बना दिया गया जेसीबी को, और सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में ही कैद होने के बाद अब इस पर मामले की जांच भी की जा रही है। बता दें आपको, संभल से खबर है, जेसीबी को सवारी ढोने वाला वाहन बना दिया गया है और जेसीबी के बेकू लोडर में लेबर को बैठाई गया है, और ये भी जानकारी है कि चार मजदूरों को लोडर में बैठा कर जेसीबी कैमरे में कैद हुई है ले जाते हुए, और ट्रैफिक इंचार्ज ने इसका चालान भी काटा है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली के चौधरी सराय का ये पूरा मामला है। तो संभल से आपको खबर बता रहे हैं, बता दें आपको कि लगातार वाहनों की लापरवाही का मामला सामने आता है, वाहन चालक लगातार लापरवाही करते हैं, और वहीं संभल से भी एक ऐसी ही लापरवाही का मामला सामने आया और जेसीबी जो है कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई यात्री वहां पर मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी के द्वारा लोगों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई है और जेसीबी का चालान भी काटा गया है, और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार नियम को तोड़कर वाहन चालक आगे बढ़ते नजर आते हैं और सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की भी यहाँ पर कार्रवाई साफ तौर पर नजर आ रही है और उन्होंने जेसीबी का अब चालान काट दिया है। तो जेसीबी के बेकहू लोडर में लेबर को बिठाया गया था, ऐसी जानकारी है। चार मजदूरों को लोडर में बैठाकर ले जाते जेसीबी कैमरे में कैद हुई है ट्रैफिक इंचार्ज ने, जिसके बाद चालान भी काटा है। आपको पूरा मामला बता दें, सदर कोतवाली के चौधरी सराय का ये मामला है जहां पर जेसीबी की चालक की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वाहन पर तमाशा किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से हमारे सहयोगी प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जेसीबी का चालान काट दिया गया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस प्रकार से भट्टों पर कार्रवाई की जा रही है, भट्टे चल रहे हैं तो उसी को कार्रवाई करने का प्रशासन गया हुआ था, लेकिन भट्टे पर ही जहाँ महिलाएं आ गई, महिलाओं ने जेसीबी का ज्ञाप किया, प्रशासन का विरोध किया, उसी को देखते हुए भारी संख्या पुलिस को फोर्स और मंगाया गया, उसके बाद फिर जो है कार्रवाई की गई है भट्टे पर, लेकिन महिलाओं का डराया गया, महिलाओं थाने पर जाया गया था। जी प्रदीप, अभी चालान काट दिया गया है, कितने यात्री इस पर सवारी कर रहे थे? उसमें चार पांच लोग थे, उसमें जो कार्रवाई की गई है पांच लोग थे, 15,000 कुछ चालान काटा गया उनका। जी प्रदीप, लगातार सड़कों पर ये वाहन चालकों की लापरवाही का मामला सामने आता है, वहीं ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर कितनी अलर्ट नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग जो है यूट्यूब अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसका सोशल कर रहे हैं, लगातार मतलब जो है करते हैं, लेकिन लगातार नई चीजें हैं, लोग अपनी आज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर करते हैं, उस बात जो है लगातार जेसीबी को यहाँ पर सवारी ढोने का वाहन बना दिया गया है। बता दें आपको, लगातार वाहन चालकों की लापरवाही सामने आती रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।